Sana, and how did you come about this title called Sana, and why was it called what Sana? The meaning of Sana? I think I love the name. It's very crisp, it's modern, and it's ambiguous. I love that. I think I like structuring films that unfold like a thriller. So, you know, the first thing you hear about a character is a name. You're trying to understand who she is. If she's called Gauri, we will make certain assumptions about her. If she's called Joe, we'll make certain assumptions about her. So I love how Sana is, it's both very old school, purana bhi ho sakta hai, modern bhi ho sakta hai, Hindu bhi ho sakti hai, Musalman bhi ho sakti hai. So I love the ambiguity of that because it keeps you guessing and trying to understand who this girl is. Eventually you find out more and more and more. But for that, I wanted something which felt modern and young and of today. So that's where the title came from. What inspired you to give this particular title to your movie? What was the inspiration behind it? That's it. The idea was to make it crisp and modern and give it a sense of ambiguity so you would have something to discover. And it would pique your curiosity. It would identify itself as Indian. All of those. और इस तरह के जो सब्जेक्ट है वो सोसाइटी के लिए कितना महत्वपूर्ण लगता है? बहुत महत्व. आई थिंक हमें अगर मौका मिलता है कि हम एक फिल्म बना सकें तो उस मौके को बहुत सीरियसली लेना चाहिए. एंड अगर लोगों का आप वक्त ले रहे हैं तो सवाल उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है, एक डिस्कशन प्रोवोक करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज कई फिल्में ऐसी होती हैं वो मतलब बर्गर्स या फ्राइज़ की तरह होती हैं. आपको एक सेकेंड भूख लगता है, धड़ा धड़ा खा जाते हो, खाते वक्त तो बड़ा मज़ा आता है बट बाद में उसके बारे में तुम नहीं सोच सकते. इट्स नॉट पौष्टिक नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, एंड चांसेस आर इट्स गोइंग टू डैमेज यू इन सम वे. मुझे उल्टा लगता है, मुझे लगता है मुझे वो एक ऐसी कविता लिखनी है जिस जो एक पत्थर की तरह आपके जेब में फंस जाए एंड आप खेलते रहें उसके साथ कई दिनों तक बाद में, एंड इन डिफरेंट वेज आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, एंड कहीं ना कहीं शायद आपके बिहेवियर में एक फ़र्क लाए, कहीं ना कहीं आपको आपकी बहन, अपनी माँ, आपके सिस्टर्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच, यू नो, एक अलग नज़रिया दे पाए. तो हर फिल्म को एंटरटेनिंग होनी चाहिए, ये तो कोई नहीं डिनाई कर सकता. लोग आते हैं, उनके अपना वक्त लेके बहुत प्रेशियस होता है, हम बड़ी इज्जत करते हैं, इन्जॉय भी करवाना चाहते हैं. बट मुझे लगता है, एज ग्रीडी मैं एक सेल्फिश तरीके से कह रहा हूँ कि अगर मैं आपके ख्यालों में फंस गया तो लॉन्जिविटी मेरी ज़्यादा रहेगी, आप ज़्यादा दिनों तक मेरी फिल्म के बारे में सोचेंगे, ना कि क्लिक ऑन नेक्स्ट एपिसोड, क्लिक ऑन नेक्स्ट एपिसोड, क्लिक ऑन नेक्स्ट. और कास्ट के बारे में, व्हाट अ प्रिविलेज, मैं तो औकात के बाहर की कास्ट है. ऐसे लोगों ने हमें हाँ कहा, हमारा काम पढ़ के कहा कि हमें उसके साथ जुड़ना है. आई मीन पूजा भट्ट का करियर कौन बता सकता है, राधिका मदान जिन्होंने सिर्फ विशाल भारद्वाज, भूमि अडजानिया, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के संग काम किया है, तो उनको ट्रस्ट करना, हाँ कहना. शिखा तलसानिया इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है, नवनीत निशान है इस फिल्म में, सोहम शाह हैं, तुम्बाड़ किसने नहीं देखी हमारी कंट्री में. तो ऐसे ऐसे लोग जब हमें हाँ कहते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ऑल द वे जाना है, एंड इन्होंने जो हमें ट्रस्ट दिया है उसको एकदम जस्टिफाई करके और एक बेहतरीन तरीके से लोगों को दिखाना है, इनके नए नए नया पर्सपेक्टिव इन पे. ऑन प्राइम के साथ एक शो चल रहा है जो डिलीवरी पे है, वो अगले साल आएगी. और जंगली पिक्चर्स जो टाइम्स ग्रुप की कंपनी है, उनके संग एक उलझ कह के स्पाई थ्रिलर बना रहे हैं जानवी कपूर जी के साथ, तो चीज़ें चल रही हैं. और अगर गोवा में आपको अगर शूटिंग का मौका मिलता है तो क्या आप गोवा में शूटिंग? मैं गोवा में सिर्फ ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो गोवा में नहीं बननी चाहिए. वो सब आते हैं गोवा, वही बीचेस, वही रोड ट्रिप, वो तो नहीं बनाना. गोवा में हर तरह की फैमिलीज हैं, हर तरह की कहानियाँ हो रही हैं. यहाँ भी लोग, यू नो, वृद्ध लोग बूढ़े भी हो रहे हैं, जवान लोग मोहब्बत में, पर हर तरह की कहानी होती है. मुझे लगता है कि ऐसा गोवा मुझे दिखाना है जो ऑडियंस को लगे ये गोवा नहीं देखा, वो कर सके तो बड़ा मजा है.